हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने TCS में प्लेसमेंट ली। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। 2019 में मैंने IP कॉलेज से इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मैं प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने लग गया था। मैंने इन कैंपस भी अप्लाई करा था और ऑफ कैंपस भी अप्लाई करा प्लेसमेंट के लिए। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा आपको कि मैंने TCS में कैसे सिलेक्शन लिया और कैसे कैसे मेरा प्रोसेस था TCS में ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो TCS में प्लेसमेंट होती है उसमें जो सबसे पहला राउंड होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन राउंड होता है। उसमें एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें तीन तीन लेवल होते हैं। एक तो एप्टीट्यूड होता है और तीन सेक्शन होते हैं। एक तो एप्टीट्यूड होता है और उसमें दूसरा उसमें प्रोग्रामिंग होता है, और थर्ड क्या होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो ये एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। तो अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको कॉल लेटर आता है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जैसे एप्लीकेशन मैंने अप्लाई करा था 16/11/2019 को। फिर उसके बाद देखो कैंडिडेट बेस्ट जो इसमें लिख रखा है 12/12/2019, इसका मतलब ये है कि मेरा जो इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया था। तो मतलब समझ लो आप, 1 महीने के अंदर मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी और इंटरव्यू भी हो गया था। फिर उसके 1 महीने के बाद जनवरी में मेरे को ऑफ़र लेटर आया था, और ऑफ़र लेटर मैंने फिर एक्सेप्ट करा। फिर उसके बाद उनका ILP होता है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग के लिए लेटर आता है, वो आया था मेरे को फ़रवरी में। फ़रवरी के बाद मेरे को जो ILP है उसके बाद मेरे को ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर मेरे को आया था 2/3/2020 को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें 2 राउंड होते हैं। एक तो टेक्निकल राउंड होता है जिसमें आपसे कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे वो। तो जो अगर आपको मतलब कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे सी हो या जावा हो, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए आपको जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो उसी लैंग्वेज से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस वो पुट आउट करते हैं। उसके बाद जो आपका टेक्निकल राउंड अगर क्लियर हो गया तो आपको HR राउंड के लिए वेट करना पड़ता है एक हॉल के अंदर। अगर आपका टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस भेज देंगे वो घर, मतलब HR राउंड नहीं दे सकते आप। टेक्निकल राउंड जिसका होएगा सिर्फ वही दे सकता है HR राउंड। तो दोस्तों, मेरा जो टेक्निकल राउंड है वो क्लियर हो गया था। और जो टेक्निकल राउंड के बाद फिर मैं जैसे वहाँ पे उसी टाइम रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने बोला था वेट कर लेना आप, आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे को जो आया था ईमेल, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग गया था ईमेल आने में कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं इसमें वीडियो में आपको वो भी लगा दूंगा कि मेरा जो कन्फर्मेशन लेटर है, ऑफ़र लेटर है और जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब कब कैसे कैसे था TCS का, वो मैं लगा दूंगा इस वीडियो में।